व्हाट्सअप गाइस मोकियर एंड इस वीडियो में हम ऑलरेडी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्रॉफीज पे आ चुके हैं एंड सेवन नाइनटी सेवन बहुत बहुत हाई नहीं है बट नॉट बैड क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टिल्ट हो चुका था सो आई वाज एबल टू गेट बैक टू सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्रॉफीज विथ दिस बाय मेरे को पता नहीं कि सिर्फ मदर विच और ये जो दो कार्ड्स है सिर्फ बहुत ओपी है मैं सच में बोलूँ तो ई बाब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मदर विच उसके बारे में बात ही मत करो सीधा हम ये जो फर्स्ट रिप्ला है चलो इसके ऊपर जम्प करते हैं uh, तो यू कैन स्टार्ट विथ योर मदर विच इन द बैक विथ दिस टेक एंड मैं सिर्फ मेगामिनियन एंड हिल स्पिरिट एंड लॉग इतना ही साइकिल करता हूँ uh, क्योंकि वाई मदर विच इन बैक सो तो आपको मतलब uh, Uh, अगर ऑपोजिट लेन अगर uh, वो बलुन गया तो आई हैव द मेगा एंड फायर बॉल एंड जब उसका बॉलर देखा uh, मैं फिशरमैन सब यूज़ नहीं करते क्योंकि पीछे से यूज़ किया तो वो सीधा एलेक्ट्रोजाइंट डाल सकते हैं बहुत एलेक्ट्रोजाइंट uh, भी है मेटा में सो आई हैव टू कीप माय फिशरमैन इफ इफ़ गोस हॉग राइडर इन द अपोजिट लेन तो जब मैं बॉलर एंड uh, ये देखा तो मैं सोचा कि ये बलून हो सकता है तो ये वॉल कर यूज़ किया तो हंड्रेड परसेंट ये ग्रेवयार्ड फ्रीज मेरे को समझ आ गया एंड uh, मैं सेम लेन एलिट बाबेन्स यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर मैं सेम लेन जाता तो ईज़िली बॉलर काउंटर कर सकता था एंड आई कैन गेट सो मच वैल्यू विथ माई मदर विच टू हिज ग्रेवयार्ड तो इसलिए मैं हाई मदर विच डाल के सीधा इन्फेट रकन को Uh, मैं फ्रीज वैल्यू नहीं दे रहा स्टिल ही यूज दिस फ्रीज उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा uh, मेरा मदरविच मरेगी बट कोई बात नहीं दो स्टॉक्स uh, टावर पे जा रहे uh, उतना डैमेज नहीं मिला ही टू टूएल एग्जार तो इधर मैं uh, मेरा माइंड में ये चल रहा है कि आई हैव टू गेट हिज बॉलर टू माई किंग टावर तो इसलिए मैं सिर्फ यही से जी सकता हूँ अगर मेरा किंग टावर एक्टिवेशन नहीं हुआ तो मैं पक्का हारूंगा क्योंकि आ, उसको एक अच्छा फ्रेज मिला तो दैट्स गोना बी गुड गेम तो इसलिए इन केस इफ़ यूज बॉल आई न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू यूज हज बॉल ऑन दोजिट लेन सो आई जस्ट यूज माई ई बब्स टू प्रेजर एंड ये वॉल क्रीम रहेगी आई थिंक एक, एक हिट मिलेगा पक्का एंड देखो इस थ्री हंड्रेड इजी आई हैव टू यूज द फायर बॉल नहीं तो रॉयल जैंड ईज़िली मर जाएगा uh, उसने क्या फायर बॉल यूज़ किया तो उसको मैं फोर्स कर रहा हूँ ताकि रॉयल जैंड को डिफेंड करे uh, नहीं तो वो ईज़िली फ्रीज uh, या कुछ कर सकता था मेरा फ़िशर मैन को uh, फिर से वो ग्रेवेट जा रहा है एंड आई वॉज एबल टू एक्टिवेट माई किंग टावर विद द फ़िशर मैन तो उसको सच में कुछ नहीं कर पाएगा अगर एक बार किंग टावर एक्टिवेट हुआ तो मेरे को पता था फिर से उसने उसका बॉलर आएगा लेफ्ट में तो इसलिए एडजस्टमेंट विद दी एलिट बास इन द अपोजिट लेन यू यू हैव टू ऑलवेज प्रेशर योर ओपोनेंट विद द एलिट बास ऑन द अपोजिट लेन अगर सेम लेन गए तो मतलब कोई मतलब नहीं है इजीली डिफेंड कर सकते हैं ताकि वो उन लोग ज़्यादा स्पेंड कर सके अगर इफ़ यू नो देयर एग्जैक्ट साइकिल यू कैन जस्ट ड्रॉप यूर इलिट बार बेस एट द्रिज एंड वो ईजी टवर ले लेंगे एंड इधर मैं सिर्फ फायरबॉल एंड हील स्पिरट यूज़ करूँगा टू जस्ट टू गेट इज टवर बट अगर एक और रॉयल जैंट हिट मिलता तो एंड लॉक फिनिश कर सकता था गेम एंड इधर मैं उसका बेबी ड्रैगन को ब्लॉक करूंगा एंड लेफ्ट में फिशरमैन एंड ही हैज़ नो वे दैट ही कुड यूज द फ्रीज क्योंकि

इज़ डूंगट एंड उसके बाद ये जो थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि ही हैज़ दी इन्फर्नल टावर एंड दी एलिट बार हाउ टू ब्रेक थ्रू दिस आई न्यू हिज डैक मैं सोचा था कि इसके पास आ क्या है एलिट बार बेंस की जगह वॉल करी था या नाइट था आई थिंक तो इसने थोड़ा स्विच अप किया है बट hmm, बहुत डिस्कसिंग देख है इसका देखा जाए तो, तो इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था I knew that he also had the rocket. Hmm. So. Hmm. मैं just wait कर रहा। I can use my uh, mother witch, but he has the rocket. So इसलिए मैं थोड़ा uh, back off कर रहा था। मेरा rocket use करने sorry mother witch use करने के लिए। uh, and हम्म uh, hmm, मैं, मैं मेरा elite barbarians hold कर रहा क्योंकि उसका hawk कभी भी आ सकता है। But uh, I have muted him. So इसलिए आप uh, मेरा कार्ड्स सेलेक्ट जो कर रहा हूँ उसको आप देख नहीं सकते आई hmm. थिंक कोई कुछ ड्रॉप नहीं करेगा इफ़ आई एम नॉट श्योर ओके मैंने फिशरमैन uh, पीछे से डाल दिए क्योंकि मेरा इलिट बाबियंस साइकल uh, में थे अगर वो हॉक राइडर लेफ्ट पे चला जाता तो इसलिए आई एम का स्प्लिट माय Uh, इधर मेरा थोड़ा मदरविच को काम करने अलग होंगे बट ग्रेट रॉकेट बाय हिम ओपी रॉकेट बोल सकते हैं उसने हमारा फिशरमैन एंड एक एलिट बन एंड मदर विच को भी ले लिया सो हम एक एलेक्सर अप है तो इधर मैं मैगामिन एंड फायरबॉल यूज़ करूँगा नो हिट्स फ्रॉम दी हॉग एक हिट बहुत महंगा है hmm. तो उसने एरोज यूज़ कर ली सो आई नो दैट डेफिनेटली ही इज हीटली लोन एलिक्सर तो इसलिए मैं पीछे से रॉयल जैन डालूंगा मतलब सिर्फ एक एलिक्सर बोल सकते हैं एंड आई एम नॉट गोना टेक इन चिप डैमेज मेरे को पता है कि फर्स्ट uh, रॉयल जैंट पुश में कुछ टावर uh, पर नहीं जाने वाला सिर्फ बोल सकते कि uh, mm, क्या बोल सकते कि मतलब मेरा जो ट्रूप्स को स्पॉन करने या मतलब जो भी था वैसे ही किया तो इधर मैं सिर्फ उसके फायर क्रैकर को आ, फायर बॉल कर दूंगा एंड मदर विच टू स्केलेडन आमी कितना स्पॉन हो सके उतना हो जाओ एंड इधर मैं मेरा लॉग मिस करूंगा आई थिंक यस मैंने मिस कर दी आ, तो दो हिट मिला तो इधर मैं पक्का मेरा रॉयल चैन से जाऊँगा कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसका इन्फर्न टावर है मेरा किस में रॉयल जैन पर ऑलरेडी लॉक हो चुका था तो इधर मैं फिर से आ, ई बार बेंस डालूंगा एंड ऑलरेडी टावर एट एटी टू एक और रॉकेट और आ, एक अच्छा सा कनेक्शन हुआ तो गुड गेम हो जाएगा एंड तो इधर मैं उसका सी, सीधा फायरबॉल डालूंगा उसके इंफ्रा टावर का एंड प्रोडिक्टिव लॉक बोल सकते बट पूरा स्केलेटन ही नहीं आया दो स्केलेटन बचा दो स्केलेटन्स बचा बोल सकते एंड आई नो दैट Uh, मेरे को जल्दी पुश करना है एंड अगर uh, एक थोड़ा मिस्टेक किया थोड़ा लेट भी हुआ तो उसका रॉकेट आ जाएगा ऑल ऑलरेडी टावर रॉकेट रेंज एंड इधर मेरा रॉयल जॉइंट गेम फिनिश किया तो इसलिए थोड़ा बी कर रहा हूँ उसके लिए एंड मेरा जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग भी बी कर रहे चलो कोई बात नहीं एंड uh, uh, ये जो फ्रीज वाला आई थिंक uh, मैं फिर से किंग टावर एक्टिवेट किया uh, और एक तो चलो ये ई जाइट वाला देखते हम्म तो ऑलरेडी गॉप लाफ आ रहा है मेरा ओपोनेंट के साइड से तो जब भी अगर ओपोनेंट बार बेरे ले कुछ भी डालते तो I'll try to get uh, value with my mother which uh, तो उसने already मैं जैसा बोला था अगर आप bowler या कुछ great defensive card दे देखोगे तो आप opposite lane ही बाप के साथ पक्का spam करोगे and here I will try to activate my king tower but उसने nado waste कर दी and fisherman को nado थोड़ा भी work नहीं होता एंड ये ऑलरेडी कॉपिन ऑफ देर है आई नो दैट हीज लोन एलेक्सर कुछ डिफेंड नहीं कर सकता मेरा ऑलरेडी किंग टावर एक्टिवेटेड है आई जस्ट हैजैंट ऑलरेडी वेल्फ्रेड सा बार है इसका क्योंकि मैं तो इसको म्यूट किया था तो मेरे को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता अभी इसका बोल रहा आएगा मेरे को फिर से पता था मैं फिर से स्पैम करूँगा आई थिंक मेरे को पता नहीं यस yes. जब भी उसका बॉलर देखता हूँ मैं अपोजिट लेन प्रेजर करता हूँ एंड वन ऑफ दिट इज गोइंग टू ओ टावर बाय कितना डैमेज कर रहा है ओ बाय ऑलमोस्ट दो टावर भी सेम हो गया एंड इधर मैं जल्दी फिशरमैन यूज़ नहीं किया अगर ये बॉलर मिडल में आता तो ये जो गॉबलिन ब्रॉलर को आ, क्या Uh, बॉलर टैंक करता था एंड uh, दो हिट्स की जगह तीन चार और भी ज़्यादा मिलते थे किसको पता तो इसलिए मैं थोड़ा फिशरमैन लेट यूज़ किया एंड रॉयल जॉइट इज चिपिंग माई टावर चिपिंग इज टावर बाय थ्री हंड्रेड एंड थ्री थर्टी सिक्स आई नो बाय मज़ा आता जब रॉयल जॉन्ट की एक हिट मिलता है तो फिर से मैं वही करते रहूँगा भाई मेरे से पूछा मत ओके uh, okay, इस बार मैंने नहीं किया मैं सोचा कि मैं फिर से uh, इलेट बार बेस डाल दिया मेरे को पता था कि इस बार उसका इलेट बार... क्या है भाई ये कार्ड uh, क्या है ये कार्ड ये जो इलेक्ट्रोजाइंट आ सकते तो उसका डेस्परेट लाइटनिंग आएगा कुछ वो टावर तक भी नहीं आया इलेक्ट्रोजाइंट फिर भी उसने uh, सोचा कि लाइटनिंग यूज़ करो तो उसको पता चला कि गेम खत्म हो गया सिर्फ सेवेंटीन सेकेंड्स बचा है एंड ही इज गिविंग दी प्रिंसेस इमोट एंड आई एम गेम आट्स जो ग्लोबल टूर्नामेंट वाला इमोट एंड पूरा कैन वी गेट क्राउन यस पता नहीं क्या हुआ एंड में एंड दैट्स बी गेम एंड आई होप यू गाइस एन्जॉय द वीडियो इफ़ यू गाइस एनजॉय द मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स पर बता देना आई विल ट्राई टू पुश मोर विद दिस टेक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए uh, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल टेट टेक ए गाइस गुड नाइट